ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, दोनों क्या होता है? सेम होता है। देखा होता है। और ज्योमेट्री में बार बार एक बात समझिए, डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। मित्रों नहीं समझ आता। तो आपने क्या किया कि एक बेस ले ली कॉमन, ए बी, ये कॉमन बेस है, और एक ट्राइंगल बना लिया ऐसा, और एक ट्राइंगल बना लिया ऐसा ऐसा। सो ए बी सी और ए बी डी, एक डिस्कशन हमारी ये होती है कि दोनों ट्राइंगल्स के एरिया जो है वो सेम है। क्यों सेम? ओके, दोनों का जो एरिया है वो हाफ बेस इनटू हाइट है। नहीं समझना? हाफ बेस इनटू हाइट, मित्रों को डाउट? हाफ बेस इनटू हाइट है तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। अब इसी तरह अगर आप ट्राइंगल्स छोड़ के पैरेललोग्राम्स बनाते हैं, जैसे एक पैरेललोग्राम आप ये बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम ऐसे बनाते हैं, सॉरी ऐसे बनाते हैं, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, और दूसरा जो पैरेललोग्राम है वो तो आप ऐसे बनाते हैं, तो ये जो दो पैरेललोग्राम्स है इन दोनों के एरिया जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया है वो बेस इनटू हाइट होता है। बेस बेस इनटू हाइट। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों की हाइट सेम है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो सेम होगा। ये कल भी डिटेल में बात हुई थी, दिमाग में भ्रम रहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा है। देखो तो ये दो थ्योरम्स। अब एक और चीज समझ लेते हैं, अभी आपको थ्योरम से याद रहता है, एक और चीज समझ लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ए बी सी डी में ये और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? कौन सा रूल लगता है गुप्ता ए जी? बहुत बढ़िया। ए एस ए, हजार बार कराया चुका है, कराया जा चुका है, दोबारा नहीं करा रहा। समझ आया? ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात। ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना यार, आपके जो दोनों हाथ है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल है, तो दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है। सही समझ रहे हैं? तो ये वाला हाथ इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों का एरिया सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया जो है वो सेम होता है। तो एक पैरेललोग्राम दो इक्वल ट्राइंगल्स से बना होता है। मेरी बात है समझे? दोनों का जो एरिया है, अगर इसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका एरिया भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मित्रों नहीं समझ रहा? नहीं समझा? पक्का? पक्का? तो कहने का मतलब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसका जो एरिया है वो हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा। ये किसको नहीं समझा? किसी एक ट्राइंगल का एरिया, किसी एक ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। नहीं समझ में आ रहा? रीजन बता दिए, रीजन क्या है? अरे दो पिज्जा, एक पिज्जा है आपके पास ऐसा, उसके यहाँ बीच में से कट लगा हुआ है, तो इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है वो सेम ही होगा ना भाई। ये अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और पिज्जा का एरिया कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो पैरेललोग्राम के दो स्लाइस बनाइए, तो दोनों स्लाइस इक्वल होंगे, एक स्लाइस का एरिया पैरेललोग्राम के इस एरिया का आधा होगा। ऑब्वियस है? नहीं समझ में आ रहा? को डाउट है? मिश्रा जी को डाउट? अब देखिए, ये सारे ज्ञान के बाद थ्योरम्स को देखते। पहली थ्योरम, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन हाइट। ये समझ आ गया? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक बात है। सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल जो है उनका एरिया इक्वल होगा। कोई तो डाउट है क्या? दूसरी लाइन देख लीजिए,
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ दैट ऑफ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, मतलब समझ लीजिए ये एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, यहां से आपने एक पैरेललोग्राम बना, ठीक है, ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम, मैं थोड़ा नहीं समझ रहा पक्का, हमें एक बात बोल दो जरा आराम से लॉजिकली समझ, आराम से लॉजिकली समझ, ये जो ट्रायंगल बना इसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, नहीं समझ रहा भैया, अभी तो बताया पैरेललोग्राम का पिज्जा है, पैरेललोग्राम का पिज्जा है उसके दो स्लाइस होंगे, वो दो स्लाइस एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये जो स्लाइस है, ये जो ट्राइंगल बना है इसका जो एरिया है वो पैरेललोग्राम का आधा होगा, अभी तो बात हुई, नहीं होगा, अब कल बात हुई थी और आज फिर से बात हुई कि ये जो ट्राइंगल है सेम पैरेलल लाइन के बीच में कितने भी ट्राइंगल बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए सेम बेस को लेके, ये बना लीजिए, ये जितने भी ट्राइंगल्स हैं इन सबका एरिया इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये वाले ट्राइंगल के इक्वल है, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये चारों का एरिया सेम, वो भी समझ गए आप, और ये जो आपने ओरिजिनल ये बीच में जो बनाया था, ये जो बनाया था ट्राइंगल, इसका जो एरिया था वो पैरेललोग्राम के आधा था, ठीक है, तो कहने का मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे वो उस पैरेललोग्राम के एरिया के आधा होंगे, अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो भी अपने आप से काफी करते जा रहे, फिर से देखिए पैरेलल लाइन, फिर से देखिए पैरेलल लाइन, ये पैरेललोग्राम, यहां तो कोई डाउट है, ये पैरेललोग्राम, समझिए फोकस कीजिए, ये तो अगले टेस्ट में भी फिर से कम नंबर आएंगे, ये पैरेललोग्राम, अब ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसका जो एरिया है वो उस पैरेललोग्राम का आधा होगा, ये बात समझ आई नहीं आई, तो पैरेललोग्राम का एरिया अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्राइंगल का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, किसी को डाउट है इस बात पे, बट ये बिटवीन द पैरेलल लाइंस जितने भी ट्राइंगल बनेंगे ऑन द सेम बेस उन सबका एरिया सेम होगा, तो किसके इक्वल होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, सही समझना है, ठीक है, ज्योमेट्री में बात पकड़नी पड़ती है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो ट्राइंगल यहाँ ये ट्राइंगल बना इसका एरिया मिश्रा जी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो ट्राइंगल बना यहाँ पर इसका एरिया कितना होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो ट्राइंगल यहां बना सेम बेस है, बेस सेम है भाई, बेस को मत चेंज करना, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ए बी सी ए बी डी ए बी ई ये तीनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, और किसके इक्वल है, ट्राइंगल ए बी एफ के, और ए बी एफ का एरिया कितना था, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का आधा, आपको ये बताऊंगा, बेस सेम होना चाहिए, बेस पर चेंज कीजिए और जो लाइंस है वो पैरेलल सेम होनी चाहिए, प्लीज समझ आ रहा है, यहां तो कोई डाउट है मित्रों, तो थ्योरम फिर से देख लीजिए, अब थ्योरम क्या बोल रही है फिर से देख लीजिए, पहली क्लियर है, दूसरी में अभी लंबा ज्ञान दिया गया, क्या ज्ञान दिया गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ दैट ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये बात भी समझ आ गई, नहीं समझ रहा, तीसरा ट्राइंगल बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस उन सबके एरिया सेम, सब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ये भी समझ आ गया, चौथा ट्राइंगल्स विद इक्वल
एरियाज ऑन द सेम बेस हैव इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। वही बात चल रही है बार बार, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये देख लीजिए, शायद यहां पर आप कंफ्यूज हो जाए, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अब सर जो है, जो हम बोल रहे हैं, जब से हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका उल्टा बोल रहे हैं। उसका उल्टा क्या बोल रहे हैं कि सर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ट्रायंगल्स हैं जिनका एरिया सेम, अब सर बोल रहे हैं कि एरिया सेम, और जितने भी वो ट्रायंगल्स हैं उन सबका बेस सेम है, अब एरिया सेम है बेस सेम, तो सबकी हाइट भी तो सेम ही होगी। अब सर उल्टा बोल रहे हैं ना, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, तो श्याम भी राम का भाई होगा ना भाई, भाई समझना। तो अगर आपके ये पैरेलल साइड में आपने ये ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल बनाया, तीनों का बेस सेम है, तीनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो इनका एरिया सेम है। मैं पहले तो ऐसे बोलता हूँ, फिर मैं उल्टा बोलता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ एरिया सेम है बेस सेम है, तो ऑफ कोर्स उनकी हाइट भी सेम होगी, हाइट सेम ही तो है, आप उसको तब से अच्छी तो बोल रहे हैं। नहीं समझ रहा, ज्योमेट्री का फायदा सिर्फ आपका लॉजिक इंप्रूव करना होता है, आपकी कॉमन लाइफ में इसका कोई ज्यादा कोई वो नहीं, मतलब कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ ये समझ आता है कि जैसे मैंने फ्रेम लगाया तो देख के ये समझ आता है कि वो दोनों पैरेलल लाइन आए कि नहीं, जैसे सामने फ्रेम लगा हुआ है तो फ्रेम की ऊपर वाली जो लाइन है वो उस जो बन्नी सी बनी हुई है उसके पैरेलल होनी चाहिए, जो कि उसके तो पैरेलल लाइन से आगे कॉमन लाइन है, सिर्फ ये फर्क है। टीवी लगवाना है तो वो जो है वो उसके पैरेलल होना चाहिए। आपके घर में भी कभी फ्रेम वगैरह लगाया होगा तो जो कारपेंटर आता है वो ऊपर नीचे सारा वो सेंटीमीटर वगैरह नापता है, वो क्या करता है पैरेलल करने की कोशिश करता है, क्योंकि ह्यूमन आई को सिमेट्री बड़ी अच्छी लगती है। अगर ये टीवी टेढ़ा लगेगा तो आपको हमेशा इरिटेट करेगा, कभी कोई चीज नोट करिए, जब कोई चीज टेढ़ी होती है वो हमेशा उसको देख देख के इरिटेट होते रहे, तो ह्यूमन माइंड वैसा ही, ह्यूमन माइंड को हार्मनी बड़ी अच्छी लगती है। मेरी बात नहीं समझ रहा है, ये चार थ्योरम्स मुश्किल है, कल डिटेल में बात हुई आज फिर आपको बता दिया गया। प्रूफ में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करना आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो एरिया सेम होता है, और दूसरा फॉर्मूला लगा लीजिए, ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है और पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का एरिया जो है उसके दोनों का फॉर्मूला सेम। एक ज्यादा से ज्यादा एक बच्चों को थोड़ी सी एक ये परेशानी रहती, वो भी कल बताई गई थी, आज फिर से बता देता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट ये है, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, उसी तरह ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट क्या होगी, इसको एक्सटेंड कर दीजिए और यहां से एक परपेंडिकुलर छोड़ दीजिए तो इसकी हाइट ये होगी। नहीं समझ रहा, ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चों को लगता है कि जो हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर वाली लाइन होती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं समझ रहा, कोई डाउट है यहाँ पर? ये सारे ज्ञान के बाद पहले आप खुद से 2 मिनट अपना दिमाग लगाइए, अध्यापक तो बता ही देंगे, इसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, सारी इंग्लिश का मतलब यही है, पहले खुद से थोड़ा दिमाग लगाइए और फिर अध्यापक बताएगा, सुंदर से सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा आरएनडी नहीं करेंगे, सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल 1 कीजिए, आई एम सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, अभी तक जो ज्ञान दिया उसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए।